SCP-4335 को किस गेम में कैद किया हुआ है? ए माइनक्राफ्ट, बी रोबोलॉक्स या फिर सी GTA 5? फटाक से सही जवाब कर दो कमेंट, कॉज एक रैंडम कमेंट विल बी पिन्ड। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर हर्ष में आपका स्वागत है। भैया फुटबॉल खेलोगे क्या? यार अभी मन नहीं कर रहा। अरे खेलते हैं ना, नई फुटबॉल लाया हूँ मैं, देखो देखो। अरे रे, ये फुटबॉल नहीं है रे बच्चा, ये नन्हे मुन्ने मासूम सुपर हीरोज हैं। सुपर हीरोज? ये हैं SCP-131। और एक बार की बात है, SCP फाउंडेशन में कंटेनमेंट ब्रीच हुई और एक ऐसे SCP ने कोहराम मचा दिया जिससे इवन हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल की भी फटती है। फिर हुआ अजूबा, इन मासूम से दिखने वाले दो अंडों ने ऐसा काम कर दिखाया जो उस हड़बड़ी में फाउंडेशन के हजारों का स्टाफ नहीं कर पाया। इन दोनों ने उस SCP को रोक लिया। अरे कौन था वो SCP? क्या हुआ उस दिन, पूरा बताओ ना भैया। ओके ब्रो, सब बताता हूँ, बट उससे पहले लेट्स रोल दी इंट्रो। और हाँ, बाय द वे, ज्यादा परेशान मत करना इन दोनों को, वरना SCP फाउंडेशन वाले आके पिछवाड़ा लाल कर देंगे। SCP-131, also known as the iPods, आंसुओं की बोट जैसे देखने वाले दो क्रिएचर्स हैं, जिनकी बॉडी में एक बड़ी सी सिंगल आंख है। ये दोनों साइज में बहुत ही छोटे हैं, अबाउट 1 foot टॉल। पहला है SCP-131A, जिसका कलर ऑरेंज है, और दूसरा है SCP-131B, जिसका कलर येलो है, बट हम इन्हें बुलाएंगे बबलू और डब्लू। अब बबलू और डब्लू गजब तेज हैं। इनके पैर नहीं है बल्कि इनकी बॉडी के नीचे टायर लगा हुआ है, जिनसे ये कतई 60 meters per second की स्पीड से इधर उधर भागते रहते हैं। बट सरप्राइजिंगली, अगर ऐसे ही भागते भागते ये किसी से टकरा जाते हैं तो ऐसा नहीं होता, बल्कि उस बंदे या चीज को बिल्कुल भी धक्का नहीं लगता। नाउ बबलू और डब्लू बहुत ही प्यारे और वफादार हैं। अगर आपने कभी भी इनकी मदद की होगी या इन्हें प्यार किया होगा, तो ये हमेशा आपके उस फेवर को याद रखेंगे और आपको किसी भी मुसीबत में नहीं फंसने देंगे। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हमारे मन में तुम्हारे लिए और बड़ा। अब ये दोनों एक दूसरे से किसी अजीब सी लैंग्वेज में बात भी करते हैं। एक दूसरे से चूचू चूचू कहते रहते हैं, पता नहीं कुछ मतलब भी होता है उसका या कुछ भी। अदर देन दिस, ना ये सोते हैं, ना खाते हैं और ना कुछ निकालते हैं भाई। अरे बुद्धू, जब कुछ अंदर जाएगा ही नहीं तो बाहर कैसे निकलेगा। ये दोनों बड़े ही हैं। इन्हें सेफ क्लास में क्लासिफाई करके साइट 19 में रखा गया है, जहां ये इधर उधर डगमगाते रहते हैं और ये जिस तिस से दोस्ती करना चाहते हैं, इवन दूसरे सेफ क्लास SCPs जैसे टिकल मॉन्स्टर से भी। नाउ इनमें एक और बड़ी और खास काबिलियत है, ये कभी भी पलक नहीं झपकाते। एक बार तो फाउंडेशन ने लगातार 18 घंटों तक इन पर कंटिन्यूअस निगरानी रखी और इन्होंने एक बार भी आंखें नहीं बंद करी। बाय द वे, याद है वो SCP जिसके आगे अगर किसी ने पलके झपकाई तो समझो मौत को बुलावा दिया। नाउ इन दोनों में अकल बिल्लियों जितनी है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वफादारी एक डॉगी सीरीज ज्यादा, जिस वजह से ये बेचारे ना चाहते हुए भी फाउंडेशन एम्प्लॉइज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे फाउंडेशन स्टाफ वाले लोग इन दोनों को प्यार कर देते हैं, इनके साथ खेल लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों उन्हें अच्छा मानने लगते हैं। और फिर जब वो लोग कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी यूक्लिड या फिर कीड़े क्लास SCP के कंटेनमेंट सेल में जा रहे होते हैं, तो ये दोनों उन्हें रोकने लगते हैं, उनके चारों तरफ घूमते हैं और उन्हें अंदर नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि उन दोनों को पता है कि अंदर कितने खतरनाक SCP हैं और ये नहीं चाहते कि वो प्यारे इंसान उनका शिकार बन जाए। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे SCP फाउंडेशन वालों को रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स चालू रखने में दिक्कत होने लगी यार, क्योंकि अगर ऐसे ही कोई हर टेस्ट में रुकावट करेगा ना तो खाली होगा। इसलिए दे डिसाइडेड कि इन दोनों से कम कांटेक्ट रखा जाए। लेकिन इनकी इसी आदत ने उस दिन फाउंडेशन के कई एम्प्लॉइज की जान बचा दी। बाय द वे गाइस, हमारा गेमिंग चैनल देखा या नहीं? वहाँ मौसते बन के बकचोदिया करते हैं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। अब चलो फाइनली तुम्हें इन दोनों की बहादुरी का वो केस सुनाता हूँ, जब इन दो नन्हे से पिद्दियों ने कई सारे फाउंडेशन मेंबर्स की जान बचाई थी, वो भी बिना किसी के मदद के। बट बिफोर दैट, बोल छोटे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना प्लीज। तो कहानी है उसी साइट 19 की, जहाँ कैद है एक बहुत ही भयानक SCP जिसके चेहरे से नजर घटी दुर्घटना घटी। हाँ, वही डरावना स्टैच्यू जिसने कईयों की गर्दन तोड़ मरोड़ के आगे से पीछे घुमा दी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। लगता है 173 इंसानों की गर्दन मोड़ता है और दूसरे स्टैच्यू का पिछवाड़ा। अबे साले,
आगे सुना दे यार। तो हमेशा की तरह तीन क्लास डी बंदे SCP-173 यानी द स्कल्पचर के चेंबर की सफाई करने के लिए चेंबर में घुसे। कंटेनमेंट सेल एकदम बदबूदार था। बेचारे क्लास डी पर्सनल भी कहने लगे, चलो यार अंदर चलते हैं और नाक के बाल जला डालते हैं। अब तुम्हें पता ही होगा कि SCP-173 के सेल की सफाई कैसे की जाती है। दो बंदे उसे देखते रहते हैं और एक एक करके पलकें झपकाते हैं, जिससे हर समय किसी न किसी की नजरें उस स्टैच्यू पर बनी रहें। और इस दौरान तीसरा बंदा पोछा लगाता है। बट उस दिन उन लोगों से गलती से मिस्टेक हो गई। SCP-173 से नजर घटी, दुर्घटना घटी। और पहले उस पापी पुतले ने एक एक करके तीनों की गर्दन तोड़ी। एंड देन वो सेल से बाहर आकर साइड 19 में खुल्लम खुल्ला घूमने लगा। भाई पूरी साइड 19 में रेड अलर्ट जारी हो गया था। और कहा जाता है कि उस दिन वो साइड 19 सिर्फ गोलियां चलने और गर्दन टूटने की आवाजों से भर गई थी। मौत का कोहराम शुरू हुआ ही था कि तभी SCP-689 के सेल की लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया और वो ऑफ हो गई। ये SCP-689 क्या है भैया? ओ, SCP-689 also known as Haunter in the Dark, एक छोटा सा स्टैच्यू है जो बहुत हद तक SCP-173 जैसा है, बट नॉट एग्जैक्टली। इसका सीन ऐसा है कि अगर किसी ने इसे एक बार देख लिया तो वो इससे इन्फेक्ट हो जाता है, और जब कल के दिन इसे कोई देख नहीं रहा होता तो ये चुन चुन के उन सभी को मारता है जिसने कभी ना कभी इसे देखा हो। अब उस दिन सेल में लाइट बंद होने की वजह से ये भी आजाद हो गया और फिर 173 से कह के चल आज तू और मैं मौत का खेल खेलते हैं। इन दोनों ने साइट 19 में कोहराम मचा दिया। साइट 19 वाले अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगे। सबकी फटी पड़ी थी। सब यही सोच रहे थे कि अरे आज तो ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से मारा गया रे। बट इसी दौरान साइड 19 में मडरा रहे थे बबलू और डब्ल्यू, जिन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिखाते हुए SCP-173 और SCP-689 को रोक डाला। बबलू स्कल्पचर के आगे खड़ा हो गया और उसे घूरता रहा, और डब्ल्यू हॉन्टर इन द डार्क के आगे। एंड देन फाइनली एक मोबाइल टास्क फोर्स ने इन दोनों एंटिटीज को कंटेन कर लिया। इन्हें इनके कंटेनमेंट सेल में फिर से कैद कर दिया। अब इनकी इसी बहादुरी और पल के ना झपकाने की एबिलिटी को देखते हुए फाउंडेशन ने इन्हें वॉचर्स की उपाधि दी है, और बहुत सारे इंस्टेंसेस पर SCP-173 और SCP-689 से डील करते वक्त इन दोनों को भी वहाँ ले जाया जाता है। तो भैया ये दोनों हमेशा उन्हें घूरते रहेंगे क्या? यार हमेशा नहीं, क्योंकि देख भाई, जैसे तेरा डॉगी बहुत देर तक एक जगह ही घूरते घूरते बोर हो जाएगा ना, वैसे ही क्या पता ये दोनों भी बोर हो जाएं, पलके झपका दें या परेशान हो जाएं, जो फाउंडेशन को बिल्कुल मंजूर नहीं है। फाउंडेशन वालों का फंडा क्लियर है इनके रिगार्डिंग। अगर कोई इन्हें परेशान करता है तो सीधे उसे नौकरी से निकाल दो। यू आर फायर्ड। वैसे भैया ये दो ही है क्या? यार रिवर नाइटमेयर्स नाम की एक SCP टेल है जिसमें बबलू और डब्लू के अलावा रेड ग्रे व्हाइट कलर के और का भी जिक्र है। उस टेल में ये सारे के सारे मिलके SCP-173 यानी उस पापी पुतले को रोकते हैं। तो भाई समझ आ गया कि ये बिद्दी क्या चीज है, या अभी भी फुटबॉल खेलेगा इनसे? हाँ भैया सब समझ में आ गया, ये तो बड़ी धांसु चीजें हैं। और ये भी पता चल गया कि सुपर हीरोज बनने के लिए साइज नहीं आई चाहिए होती है। नहीं बेटा मस्ते नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी SCP-131A और SCP-131B की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।